हेलो फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन आपका होगा और ये गाड़ी का वेरिएंट आप लोग देख सकते हैं तो एक्सजेट प्लस डीजल वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस आपका 11,85,000 देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी का लुक आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके का मिल जाएगा। गाड़ी में आपको 1500 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल आप लोग गाड़ी की देख सकते हैं, पूरा ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग गाड़ी में देखेंगे एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ के फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बोनट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपको प्योर ब्लैक में आपको प्लेन में देखने को मिलेगा। इस जगह आपको बोथ साइड में थोड़ा सा कर्व आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में तो ये आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगी, एक लो बीम और हाई बीम के लिए मिलता है। गाड़ी में DRLs आप लोग चेक कर सकते हैं, तो ये DRL का लुक आ जाएगा आपको। यहाँ पे दो आपको बने होंगे, तो ये अच्छा खासा व्यू आता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं तो फॉग लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस जगह आपको ब्लैक कलर का क्लैडिंग का वर्क मिलेगा, प्योर आपको मैटी फिनिश में होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में तो ये आपको ग्रिल का डिज़ाइन देख सकते हैं, तो आपको पियानो ब्लैक में ये आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी का डिज़ाइन। इस जगह आपको ग्रिल का डिज़ाइन थोड़ा सा ये वर्क आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको टाटा का लोगो बड़ा सा देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश में। ये आप बम्पर का डिज़ाइन देख सकते हैं, तो बम्पर का डिज़ाइन आपको ये ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल हो जाती है गाड़ी की। और साइड प्रोफाइल अभी हम लोग देखते हैं क्या देखने को मिलता है गाड़ी में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में साइड व्यू, तो अलॉय व्हील आप लोग देख सकते हैं, तो अलॉय व्हील का लुक पूरा आपको देखने को मिल जाएगा ग्रे फिनिश में। इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी में इस जगह देख सकते हैं तो बोथ साइड में आपको गन मेटल डिज़ाइन में आपको डार्क की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है गाड़ी में। और ये आप ORVM देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाएंगे विद टर्निंग इंडिकेटर। ये आपको ऑटो फोल्ड फीचर में मिलते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी को। तो यहाँ से जैसे कि आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो आपको ये मिरर जो है ये आपके फोल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके का व्यू आएगा। अनलॉक करने पर ये आपके जो मिरर हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं, तो ORVM का लुक आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का आ जाता है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में तो ये आपको डोर हैंडल आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर में, ये आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड में, बोथ साइड में मिलेगा। और यहाँ पे गाड़ी में क्लैडिंग का वर्क देख सकते हैं, तो ब्लैक कलर की आपको क्लैडिंग का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाड़ी में ग्राउंड क्लीयरेंस आप लोग देख सकते हैं, तो आपको 209 mm का आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छा खासा व्यू आ जाता है यहाँ से। और अभी हम लोग देखते हैं गाड़ी का रियर प्रोफाइल, तो रियर प्रोफाइल का लुक क्या मिल जाता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का रियर प्रोफाइल का लुक पूरा आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और टेल लैंप का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपको टेल लैंप का डिज़ाइन मिल जाएगा यहाँ पे, ये रेड कलर का ब्लिंक होता है ये मिल जाएगा। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलता है, इस जगह आपको रिवर्स पार्किंग की लाइट देखने को मिल जाती है गाड़ी में। यहाँ पे देख सकते हैं बैक में तो ये आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है, ये आपको पियानो फिनिश में यहाँ पे ब्लैक का वर्क देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। यहाँ पे देख सकते हैं तो गाड़ी में आपको ये डिफॉगर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो शार्कफिन आपको एंटीना मिल जाता है। अपर व्यू आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके का स्पोर्टी डिज़ाइन आ जाता है देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे बैक में देख सकते हैं तो ये आपको नेक्सॉन की ब्लैक कलर में बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर में मिलेगी पूरी। और गाड़ी में बैक में देख सकते हैं तो ये आपको दो यहाँ पे पार्किंग के सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में, तो ये व्यू आता है यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का। तो ग्राउंड क्लीयरेंस आपको अच्छा खासा गाड़ी में देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन देख सकते हैं, तो ये आपको रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ जाएगा देख पा रहे होंगे। और गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं साइड प्रोफाइल एक बार देख लीजिए, तो साइड प्रोफाइल आपको इस तरीके की ब्लैक कलर में पूरी देखने को मिलती है। गाड़ी पूरी ब्लैक है, डार्क टोन में आती है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक देख सकते हैं, तो 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है। तो रूफ रेल्स देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको ब्लैक कलर में मैटी फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाएंगी, ये स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी को। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग साइड व्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं ड्राइवर साइड वाले डोर में तो क्या लुक आ जाता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो चलते हैं सबसे पहले ड्राइवर साइड वाले डोर में और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको गाड़ी में। तो यहाँ से देख सकते हैं ये ड्राइवर साइड का डोर, इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं और इसका लुक देखेंगे क्या मिलता है। तो ये आप लोग ड्राइवर साइड डोर का डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा ब्लैक में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपको टेक्चर्ड में यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है गाड़ी में। और ये आपको अनलॉक की बटन मिल जाएगी पियानो ब्लैक में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो आपको ये मिरर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों पावर विंडोज मिलेंगे आपको। एक ये आपको ड्राइवर साइड वाली ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाती है। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं तो ये आपको पियानो ब्लैक में आपको ये वर्क देखने को मिलता है, ग्रैब हैंडल इस तरीके का मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको इस जगह बॉटल का स्टोरेज मिल जाएगा यहाँ पे, और ये फाइल स्टोरेज भी इसमें देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी में देख सकते हैं तो स्पीकर का लुक इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं तो ट्विटर आपको देखने को मिल जाएंगे बोथ साइड में। तो ये अच्छा खासा व्यू आता है, ये आपको टेक्चर्ड में डिज़ाइन मिलता है यहाँ पे।
ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो इस जगह आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है डोर में, तो आपको डोर बोथ साइड में देखने को मिलेगा। और इंटीरियर व्यू आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके का पूरा आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। डार्क एडिशन है तो आपको पूरा ब्लैक में इंटीरियर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो सीट का एडजस्टमेंट मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट में मिलेगा, और सीट को इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे स्वेट प्रूफ आपको लेदर में सीट्स देखने को मिल जाती हैं। और ये आपको देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और अभी सीट्स को थोड़ा सा पीछे करते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का लेदर फिनिश में आपको ये मिल जाएगा स्टेयरिंग का लुक। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो इस जगह आपको बटन्स मिल जाते हैं, ये आपको वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह बटन्स सारी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में। इस जगह आपको पियानो ब्लैक में ये आपको लुक देखने को मिल जाएगा हॉर्न वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ये सारा व्यू आता है यहाँ पे। और गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरीके का व्यू आता है डैशबोर्ड का, आपको ग्रे फिनिश में आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, तो ये व्यू आता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको पियानो ब्लैक कलर में ये आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है, ये तो स्क्रैच फ्री आपको ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट की बटन मिल जाती है, दो आपको एसी वेंट्स इस जगह देखने को मिलेंगे, और बोथ साइड में भी आपको एसी वेंट्स ये देखने को मिल जाते हैं ये, और यहाँ पे भी बोथ साइड में मिलेंगे देखने को, तो ये अच्छा खासा व्यू आ जाता है। अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने को मिलता है। तो गाड़ी को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन देखते हैं हम लोग, तो क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारा आपको RPM का नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे स्पीड आपको देखिए डिजिटली देखने को मिल जाएगी। लो फ्यूल इंडिकेशन और आपकी ट्रिप डिस्टेंस जो भी है वो सारी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका लाइट्स का नोटिफिकेशन मिलेगा, ये आपको रीसेट की बटन मिल जाती है ट्रिप के, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे MPT का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको हार्मन की स्क्रीन मिल जाएगी, 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। और इसमें आपको देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको इंफोटेनमेंट अच्छा खासा दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो यहाँ पे AC का लुक आपको मिल जाएगा, यहाँ से AC ऑन ऑफ कर पाएंगे आप लोग। और यहाँ से आपको सारे ये बटन्स मिल जाते हैं, ये आपको बटन्स कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से बूट ओपनिंग का बटन मिल जाता है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं आपको, तो ये आपको गियर बॉक्स मिल जाएगा, आपको 6 गियर बॉक्स मिलते हैं गाड़ी में देखने में। यहाँ पे आपको पियानो में ये आपको वर्क मिलेगा, इस जगह आपको पियानो ब्लैक में वर्क मिलता है। और इस जगह गाड़ी में देख सकते हैं आपको, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये, यहाँ पे देख सकते हैं कीस आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी की, तो ये आपको कीस मिलेगी, ऑटोमेटिक की मिलती है एक। और यहाँ पे 4 बटन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको लॉक का, अनलॉक का, और ये आपको लाइट्स का और बूट ओपनिंग का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे USB पॉइंट मिल जाता है आपको। तो ये अच्छा खासा व्यू आता है। यहाँ पे लेदर कवर मिलेगा गियर बॉक्स में, और ये आपको ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड, ये चीज़ बहुत ही अच्छी दी जाती है गाड़ी में, सारे मोड्स दिए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो कप होल्डर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ से पियानो ब्लैक का आपको वर्क देखने को मिलेगा, और यहाँ से आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आर्मरेस्ट का लुक आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से ओपन कर देंगे, ये आपको मैग्नेटिक इसमें देखने को मिलता है, मैग्नेटिक टच से लॉक होता है यहाँ पे, ये आपका स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये व्यू आता है, यहाँ इसको रख देंगे और मैग्नेटिक के थ्रू ये आपका लॉक हो जाता है, तो आर्मरेस्ट का लुक इस तरीके का आ जाता है, लेदर में मिलेगा। और ये हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, तो इसमें क्रोम फिनिश बटन के साथ में आपको देखने को मिल जाता है, ये आपको व्यू देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। और यहाँ पे साइड व्यू आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो डोर का पूरा साइड व्यू आप लोग को कुछ इस तरीके का आ जाता है, पूरा आपको देख सकते हैं इंटीरियर में ये डिज़ाइन मिल जाएगा। और गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं ग्लव बॉक्स के लिए, तो ये आपको बटन मिल जाएगा, बटन प्रेस करेंगे तो आपका ग्लव बॉक्स ओपन हो जाता है, बड़ा सा बहुत ही स्पेस इसमें मिलता है ग्लव बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं अंदर लाइट भी आपको देखने मिलेगी, वहाँ तक आपको स्पेस मिलता है, 4 से 5 बॉटल इसमें आप लोग रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं गाड़ी में। और यहाँ पे सारा व्यू आपको कंप्लीट होता है, ये आप देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे सनवाइजर विद टिकट होल्डर के साथ में। और यहाँ पे लाइट्स आप लोग को देखने को मिल जाती हैं, तो ये आपको LED लाइट एक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कुछ सनग्लास वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और साइड में देख सकते हैं तो आपको सनवाइजर मिलेगा विथ वैनिटी मिरर के साथ में। इंटीरियर पूरा आप लोग देख सकते हैं एक बार, पूरा ब्लैक आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, पूरा देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू आपको आ रहा होगा, तो ब्लैक इंटीरियर पूरा देखने को मिलता है। यहाँ से ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं तो सीट बेल्ट का ये कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में।
तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और वहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिल जाते हैं, वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे सारी फीचर्स आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाता है। यहाँ से लाइट्स ऑन ऑफ कर पाएंगे और इस जगह आपको ये देखिए वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को गाड़ी में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और वहाँ पर देखते हैं फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको अनलॉक करेंगे और अनलॉक करके देखते हैं बैक वाली सीट में, तो वहाँ पर देखते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो डोर को यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और बैक वाले डोर को अभी लोग ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद देखते हैं ये, तो बैक वाले डोर का भी डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, पूरा ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक डिज़ाइन आपको पूरा मिलता है यहाँ पे, टेक्चर में ये लुक आएगा। और इस जगह आपको पियानो ब्लैक में ये आपको देखने को मिल जाता है। और इस जगह आप देख सकते हैं तो अनलॉक की बटन आपको पियानो फिनिश में मिल जाएगी। और इस जगह आप देख सकते हैं तो आपको बैक में फाइल स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे बॉटल, छोटी सी बॉटल रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर आपको देखने को मिलता है बैक में, दो ट्विटर देखने को मिलते हैं बोथ साइड में। इंटीरियर लुक आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये अच्छा खासा व्यू आ जाता है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और स्पेस देखते हैं कितना मिल जाता है हम लोग को देखने को, तो वो हम लोग चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से इसको डोर को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस इतना ज़्यादा मिलता है, जब ये आगे वाली सीट जो है पूरी बैक में मैंने पीछे कर दी है, इसके बाद में भी स्पेस अच्छा खासा मिलता है। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप लोग देख सकते हैं। आगे का एक बार व्यू आप लोग देख लीजिए, तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल जाता है, आगे का पूरा ये सीन आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बैक में तो यहाँ पे दो एसी के वेंट्स मिल जाएंगे। इस जगह आपको पियानो ब्लैक में ये आपको लुक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, ये आपको बना होगा इस तरह डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा उठा हुआ मिल जाएगा, तो दो लोग के लिए आराम से बैठने का होता है, बीच में भी आप लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं ये तो आपको मिल जाएगा कप होल्डर, दो कप होल्डर मिलते हैं यहाँ पे, और ये आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छा खासा व्यू आ जाता है यहाँ पे। और हेडरेस्ट देख सकते हैं तो बहुत आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। और यहाँ से देख सकते हैं तो ऑटो फोल्ड ये मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल। और गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो इस जगह आपको कोई लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है बैक साइड में। यहाँ पे पार्सल ट्रे देख सकते हैं बैक में, तो ये आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी बड़ी सी, यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक में और बूट चेक करते हैं गाड़ी में, तो बूट कितना देखने को मिल जाता है वो हम लोग चेक करेंगे। इस जगह गाड़ी में देख सकते हैं तो हुक आपको देखने को मिल जाते हैं बोथ साइड में, छोटा सा सामान कुछ भी आप रख सकते हैं। तो गाड़ी में चलते हैं बूट चेक करते हैं, तो बूट देखते हैं कितना मिल जाता है देखने को, वो हम लोग चेक करेंगे। और यहाँ से चलते हैं अभी बटन प्रेस करके, अभी हम लोग बूट ओपन करते हैं यहाँ से। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आ जाता है गाड़ी में, यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी में। तो आपको 350 लीटर का आपको बूट देखने को मिल जाता है, ये अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से सीट फोल्ड करके आप लोग बूट इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और इस जगह आपको देख सकते हैं तो स्टेपनी गाड़ी में देखने को मिल जाती है, तो ये अच्छा खासा व्यू आ जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। गाड़ी को अभी लोग क्लोज करते हैं और यहाँ से एक बार फ्रंट प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए गाड़ी का, यहाँ से आप लोग साइड प्रोफाइल एक बार देख सकते हैं गाड़ी का। तो साइड लुक कुछ इस तरीके का आ जाता है, पूरा डार्क में आएगा, डार्क एडिशन है आपका। और यहाँ से एक बार फ्रंट प्रोफाइल आप लोग गाड़ी की देख लीजिए, तो यहाँ से आती है, तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी का, तो फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो गाड़ी आप देखना चाहते हैं तो आप लोग साई मोटर्स रूमा में आके विजिट कर सकते हैं कानपुर में, और गाड़ी की इंक्वायरी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके के कार वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।